नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 सितंबर दिन शुक्रवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट की। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 153,735 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1543 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 775 तक पहुँच गई है। अब तक राज्य में 135,791 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1702 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिहार चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका। तेजस्वी से तंग रघुवंश ने एम्स सहित लालू को इस्तीफा भेजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश 32 साल से पार्टी से जुड़े थे और लालू के बेहद करीबी नेता में जान माने जाते थे। लालू यादव के चारा घोटाला में जेल जाने के बाद पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में है। रघुवंश तेजस्वी के कुछ फैसलों में और रमा सिंह के राजद में शामिल कराए जाने की कोशिश से नाराज थे। रघुवंश के इस्तीफा देने के बाद लालू ने जेल से लिखी रघुवंश को चिट्ठी, बोले आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। उन्होंने रघुवंश प्रसाद को पत्र लिखकर मनाने की कोशिश की है। अपने पत्र में लालू ने लिखा कि प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखित एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर रही है। राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। चार दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में भी मिल बैठकर विचार किया है। आप जरूर स्वस्थ हो, फिर बैठ के बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। अनंत को लालटेन का सहारा, पेशी के लिए कोर्ट आए अनंत सिंह ने कहा, लालू के टिकट से लड़ना है चुनाव, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। पटना के मोकामा से विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में बंद है। गुरुवार को पेशी के लिए कोर्ट में पहुंचे अनंत सिंह ने लौटते समय मीडिया से बात की और कहा कि इस बार लालू यादव के टिकट से चुनाव लड़ूंगा, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यह पक्का हो गया है, हम भी इसके लिए काम करेंगे। पटना की गलियों में नहीं गूंजा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, परेशान हुए लोग। पटना की गलियों में गुरुवार को गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल नहीं गूंजा। राजधानी के लोग यह गाना सुनने को अव्यस्त हो गए हैं। गाने के बोल कान में पड़ते ही लोग कचरे की थैली लेकर घर से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज ऐसा ना हुआ। घर घर से कचरा जमा करने वाले नगर निगम के कर्मी अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी में जुट गए हैं। नगर निगम कर्मियों ने राजधानी के सभी 6 अंचल कार्यालयों में तालाबंदी की है और गेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने कचरा उठाने के लिए किसी गाड़ी को नहीं निकलने दिया। निगम कर्मियों ने हड़ताल के चलते आज न घरों से कचरा उठाया गया और न सड़कों की सफाई हुई। अगली बड़ी खबर, राज्य के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। शिक्षा सेवक को 15 दिनों का पितृत्व और 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अब राज्य के शिक्षा सेवक और तालमिली मरकज को भी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा। महिला शिक्षा सेविका को 26 सप्ताह का प्रस्तुति अवकाश मिलेगा। मातृत्व व पितृत्व अवकाश सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा। सेवा के दूसरे साल से सालाना 16 आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अधिकतम 60 दिनों तक यह अवकाश संचित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने लगभग 29,000 शिक्षा सेवकों के लिए सेवा नियमावली जारी कर दी है। जन शिक्षा निदेशक कुमार रामानुज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कार्य अवधि केंद्र संचालन दिन में 8 बजे से 3 बजे तक होगी। सप्ताह में 6 दिनों का कार्य दिवस होगा। गर्मी के दिनों में समय में बदलाव होगा। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य के स्कूली व्यवस्था पर तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को ग्रुप में बांट बुलाया जाएगा। स्कूल बसें नहीं चलेगी। 21 सितंबर से सीनियर विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। केंद्र के निर्देश के बाद
पटना के स्कूलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र के गाइडलाइन को मानते हुए अभी स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाने की योजना है। शिक्षकों को भी ग्रुप में बांटा जाएगा और फिर क्लासेस होंगे। बच्चों को भी सेशन वाइज बुलाया जाएगा, जिसमें कुछ बच्चे प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और कुछ अपने डाउट क्लियर करेंगे। पटना के कई स्कूलों में पूरी प्लानिंग हो गई है और कई में चल रही है। स्कूलों के माने तो स्कूल में मॉर्निंग असेंबली, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और बस सुविधाएं अभी बंद रहेगी। जो बच्चे आएंगे उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट द्वारा अपने अभिभावक के लिखित मंजूरी के साथ आना होगा। सभी बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और अपनी अपनी बोतल लेकर आनी होगी। स्कूलों के समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। हर एक घंटे पर बेल बजेगी और स्टूडेंट और शिक्षकों को सैनिटाइज या हैंड वॉश करना होगा। रिया चक्रवर्ती को कल नहीं मिली जमानत, कोर्ट आज सुनाएंगे जमानत पर फैसला। मंगलवार रात निचली अदालत ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा था। रिया चक्रवर्ती जमानत याचिका पर मुंबई की सेशन कोर्ट में अब आज फैसला आएगा। बता दें कि कल मुंबई की सेशन कोर्ट में सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद बिलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। लालू की किस्मत में क्या, कैली बंगला या जेल, झारखंड हाईकोर्ट में होगा फैसला। 11 सितंबर यानी आज सुनवाई संभव। संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज रिम्स के निदेशक के बंगला में रहेंगे या होटरवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पर रहेंगे, इस पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लालू को कैली बंगला में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर आरोप है कि हिरासत में रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चुनावी दरबार लगाए, यहां जेल मैनुअल को सरासर उल्लंघन है। इसी आधार पर रांची के मनीष कुमार की ओर से उनके वकील मनोज टंडन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लालू लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें तत्काल होटरवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना जल्द होगा साकार। जीपू से वैशाली तक सज धज कर पहुंची ट्रेन, परिचालन की जल्द होगी घोषणा। हाजीपुर सुगोली नई रेल लाइन पर हाजीपुर से वैशाली तक ट्रेन सफर का सपना जल्द साकार होने वाला है। इस ट्रैक पर ट्रेन का परिचालन शुरू करने के पहले गुरुवार को एक बार फिर से सवारी गाड़ी का ट्रायल किया गया। हाजीपुर सुगोली तक जोड़ने का सपना जल्द पूरा होगा। साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना का शिलान्यास किया था। 12 सितंबर से चलने वाले स्पेशल ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू। यदि आप ट्रेन से यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। कोरोना संकट के बीच रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने का काम किया है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। इनमें कई ट्रेनें बिहार और झारखंड के लिए भी है। खबर की माने तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार में 8 ट्रेनें जबकि पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली 12 स्पेशल ट्रेनें आएंगी, जिसके लिए रिजर्वेशन कल से शुरू हो गया है। बिहार 31वीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों की घोषणा हुई है। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 7 अक्टूबर को होगी। इसके लिए बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी कर दी है। बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर इस परीक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है। अगर आप पटना की सड़कों पर बिना मास्क के सैर कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए। पटना की सड़कों पर जिला प्रशासन की ओर से सघन मास्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर पटना की मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ अधिकारी मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। वैसे लोग जो बिना मास्क बाइक सवारी या सैर सपाटा करते पकड़े जा रहे हैं उन्हें फाइन किया जा रहा है। पकड़े जाने के बाद आप लाख बहाना बना लें लेकिन जाँच अधिकारी एक ना सुन रहे हैं। 12 से 23 सितंबर तक पटना गया जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। पिछले दिनों कोरोना काल के कारण रेलवे यात्रा पूरी तरह से ठप रही, जिसके कारण रेलवे को अब इस ट्रेन को चलाने में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। झारखंड सरकार के अनुरोध पर पटना रांची जन शताब्दी का परिचालन रांची के बजाय गया तक ही किया जा रहा था, लेकिन 12 सितंबर से 30 सितंबर तक इसे भी रद्द किया गया है।
पटना हाईकोर्ट में 1441 पदों पर बहाली जल्द। पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर पदों की मंजूरी दी है। पटना हाईकोर्ट द्वारा की गई मांग और मुख्य न्यायाधीश के प्रयास से कई पद पर बहाली के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। उच्च न्यायालय में तकरीबन 1441 पदों पर बहाली की जाएगी। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।